हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं हेयर कलर की कि एक उड़ते पक्षी ने फिर से बताया है कि इसका भ्रम भी एस्ट्रोलॉजर ही फैला रहे हैं। अगर कोई हेयर कलर लगाता है ब्लैक कलर का तो बोलते हैं राहु का इम्पैक्ट आ जाएगा, अगर कोई ब्राउन कलर का लगाता है तो कहते हैं केतु का इम्पैक्ट आ जाएगा, काले का लगाते तो कहते हैं शनि का इम्पैक्ट आ जाएगा, बरगंडी कलर लगाते तो बोलते हैं वीनस का इम्पैक्ट आ जाएगा, फिर बोलते हैं हरा लगाते हैं तो बुध का इम्पैक्ट आ जाएगा। मतलब जितने कलर उठ लो को प्लैनेट के साथ जोड़ दो। क्या पहले ऐसा कुछ था? पहले तो हेयर कलर ही नहीं थे, लोग नेचुरल चीज यूज़ करते थे और वो नेचुरल उनके पास हेयर कलर एक ही था, या तो चुकंदर लेते थे या फिर वो लेते थे मेहंदी। इसके अलावा कोई कलर नहीं था पहले। मैं डर्मोलॉजिस्ट से मिली जब, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये बातें सच हैं। वो कहते नहीं, इसलिए नहीं कहते हम लोग, इसके पीछे साइंटिफिक है कि कलर में केमिकल्स होते हैं जो आइज पर इम्पेक्ट डालते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है और क्या है कि जल्दी गंजापन आ जाता है, बाल बहुत जल्दी गिरते हैं, क्योंकि है तो केमिकल्स ही। इसीलिए कलर कम लगाई, नेचुरल चीज़ ज़्यादा लगाई। मैं 30 साल से मेहंदी का ही पैक लगाती हूँ, लेकिन सर्दियों में ये नहीं लगाती, क्योंकि देखिए जैसे जैसे एज होती है, नहीं तो मैं पहले सर्दियों में भी लगाती थी यही पैक लगाती थी। 1 वीक है, ये 1 वीक में लगाना है और बिल्कुल हर्बल तरीके से लगाना है नेचुरल मेहंदी। लेकिन मान लीजिए कि कोई शादी पर जा रहा है या किसी पार्टी पे जा रहा है, अब ये तो नहीं हाई क्लास का बंदा नहीं लगाएगा, वो महंगा कलर लगा लेगा, मीडियम क्लास का बंदा है तो वो जो चल रही है वो लगा लेगा, लोअर क्लास का बंदा है आज वो भी लगा सकता है, वो 5 रुपये 10 रुपये का पाउच आ गया तो अपना लगाना चाहता है। लेकिन ये बातें क्या है, इम्पैक्ट है कि हमारी प्रेजेंटेशन, अगर हम शादी पे जा रहे हैं तो पागल बन के नहीं जा रहे, अच्छे बन के जा रहे हैं। तो इसका प्लैनेट से कोई लेना देना नहीं, जो कुंडली में भगवान ने लिख दिया, अब क्या हेयर कलर भी ना लगाओ, प्यार भी ना हो, तो हर चीज़ को प्लैनेट के साथ जोड़ना जरूरी क्यों है? मुझे यही बात समझ नहीं आती, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। साइंटिफिक रीज़न जान गई तो ठीक है, मैं ज़्यादा कलर नहीं लगाती हेयर कलर, क्योंकि इसलिए अभी तक मेरे बाल अच्छे हैं। वो बाद में प्रूफ होता है, अगर उस समय आप किसी को समझाओगे, अभी इंस्टेंट किसी ने जाना हो वो मेहंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि मेहंदी इतनी जल्दी रंग नहीं पकड़ती है, वो फटाफट हेयर कलर लगाएगा और चले जाएगा। अब तो ऐसे कलर आ गए, सिर्फ 10 मिनट रखो हेयर कलर आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्लैनेट की कोई बीमारी लग जाएगी, नहीं, इसका राहु का प्रभाव बढ़ जाएगा, शनि का, वो तो वैसे ही कुंडली में है। हमारे पूरे प्लैनेट पर अगर 9 ग्रहों का ही प्रभाव है, कुंडली पर क्या है कि जो जन्म से लिख दिया भगवान ने वही चीज़ रहनी है। हेल्थ खराब है, लगन में शनि और साइन वस कुंभ और स्कॉर्पियन ज़्यादा बीमार रहते हैं, लेकिन अलग अलग तरह की बीमारी है। 6th हाउस में सारे प्लैनेटों का बंदा बीमार रहेगा, 6th हाउस में राहु रहेगा, अनयूजुअल बीमारी लगेगी। अब इन चीज़ों का कलर से क्या लेना देना, ये बात मुझे समझ नहीं आई। हर कोई लगा हुआ है हेयर कलर के पीछे, और अब तो हेयर कलर आ गए क्योंकि जैसे फेस पैक में पहले बेसन था, तो अब क्या है रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं, तो फटाफट सबको होता है ना इंस्टेंट चीज़ यूज़ करना, लेकिन इसके पीछे है कि गंजापन जल्दी आएगा और आंखों की रोशनी कम होगी। आप नेचुरल चीज़ यूज़ करिए, प्लैनेट का इससे कोई लेना देना नहीं, आपका जो मन करता है, अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, हमेशा अच्छा लगना चाहिए इंसान को, और ऐसा लगना चाहिए खुद भी देखें तो हमें खुशी हो कि हम अच्छे ही लग रहे हैं। पागल बन के मत रहिए। मुझे एक बात पता है कि अगर कोई ऐसे ही बन के रहता है तो शनि का प्रभाव ज़्यादा रहता है, और प्रोबेबली हाउस वाइफ जो हैं अब ज़्यादा टिप टॉप बन के नहीं रहती हैं, क्योंकि हल्की सी बिंदी लिपस्टिक और मांग आप भरिए ही भरिए, इसके पीछे रीजंस हैं। इस चक्र को कंट्रोल करने के लिए आपका बॉडी एक कैनवास है जिसको आपने रंगों से भर के रखना है। ज़िंदगी में दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन, आप घर में नहीं, ऐसे नहीं कि बाहर निकलना तब, और ये जो है प्रोटेक्शन लेयर है मार्स की, कि आपको प्रोटेक्शन करता है मंगल, तो इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। आप मेरी चाहे वेस्टर्न देखिए, इंडो वेस्टर्न ड्रेस, मैं बिना सिंदूर बिंदी के लेती नहीं, क्योंकि मैं किसी के कंट्रोल में ना हूँ, मुझे कंट्रोल करना है चीज़ों को, तो इसलिए ये चक्री का है जहाँ पर मैं बिंदी लगा के ही रखती हूँ और सिर्फ लिप बाम यूज़ करती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी लिपस्टिक इसलिए लगाती हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन है ना, यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। तो इसको हर प्लैनेट से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ये रंग नहीं करो, वो रंग पहनो, मैं जिसका प्रभाव नहीं देखा छोड़ दी। जब कुंडली ख़राब है तो और क्या ख़राब होगा, इतना जो भोग लिया, जब उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा तो इन चीज़ों से क्या रंगों से प्रभाव पड़ना है। रंग खुशियाँ देते हैं, रंग भेदभाव नहीं करते। आपको जो अच्छा लगता है अपना हेयर कलर करवाई, कुछ इम्पैक्ट नहीं आने वाला।
हाँ जो इम्पैक्ट आने वाला वो मैंने बता दिया।